Good morning, my dear learners. Welcome back in your maths class. Kids, today we are going to do a new concept, that is smaller number and bigger number. First of all, ma'am will tell you what are smaller numbers and what are bigger numbers. हमारे पास जो भी quantity में कुछ चीजें होती हैं, suppose I have two ice creams here. I have four ice creams here. यहाँ पे दो ice cream है, तो ये स्मॉलर नंबर में है. स्मॉलर मतलब कम है, ओके, छोटा या कम. और बिगर क्या होता है? ज्यादा, ओके. तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्मॉलर नंबर में ऑब्जेक्ट होंगे, थिंग्स होंगे, उनको सर्कल करेंगे, ओके. स्मॉलर क्या होता है? कम या छोटा. और बिगर क्या होता है? ज्यादा. जैसे हेयर आई हैव टू आइसक्रीम्स, तो ये क्या होंगे? स्मॉलर नंबर्स. तो यहाँ पे फोर है, तो ये क्या होंगे? बिगर नंबर्स. ओके ओके किड्स, अब आप यहाँ पे कैंडीज देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैम ने टू कैंडीज रखी हैं, वन टू. और यहाँ पे थ्री कैंडीज हैं, वन टू थ्री. These two candies are smaller in number and these two, three candies are greater in number. और हमने क्या करना है, जो हमारे पास smaller number में things होंगी या object होंगे, हमें उन्हें circle करना है, okay? क्या करना है? Circle करना है. Smaller क्या होता है? As I told you earlier, smaller कम या छोटा. कम, अब ये जो टू टॉफीज हैं, ये इन थ्री टॉफीज से कम हैं, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर में हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, उनको सर्कल कर देंगे, ओके. नाउ वी विल काउंट दीज कैंडीज, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री. अब आप मुझे बताएंगे कौन सी कैंडीज हमारे पास स्मॉलर नंबर में है, ओके. दीज थ्री कैंडीज, क्योंकि ये इस ग्रुप से कम है. इस ग्रुप में फाइव कैंडीज हैं, इस ग्रुप में थ्री कैंडीज हैं. तो अब हम जो हमारे पास स्मॉलर नंबर में कैंडीज हैं, उनको सर्कल करेंगे. Okay kids, in this way we will do and circle the smaller number with object. Thank you.